विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। कंपनी पर ताला जड़कर फरार हुए जालसाज। बेरोजगार नौजवानों के साथ लाखों की ठगी। इंद्रपुरम थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे ये वो बेरोजगार हैं जिन्हें विदेश में नौकरी का सपना दिखाकर इनका लाखों लूट लिया गया। दरअसल गाजियाबाद के पौश इलाके वसुंधरा में कुछ महीने पहले महालक्ष्मी स्क्वायर बिल्डिंग में स्काईलाइन इमिग्रेशन के नाम से एक कंपनी खुली, जो कुवैत में मोटी सैलरी पर नौजवानों को नौकरी दिलाने का दावा कर रही थी। कंपनी ने इनसे विदेश जाने के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार करने के नाम पर 40,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक बतौर फीस के वसूल लिए। पैसे लेने के बाद इस जालसाज कंपनी के ठगों ने इन लोगों को एयरपोर्ट पर कुवैत का वीजा और एयर टिकट दिलाने का वादा किया। इसके बाद हमने पैसा जमा करवाया, उसके बाद हमारे को सभी लोगों को टिकट भी ओके करवा दिया। उसके बाद क्या वो टिकट आपको दी गई थी? टिकट नहीं दी गई थी, वो एयरपोर्ट में मिलेगा और वीजा भी औरत ने एयरपोर्ट में मिलेगा ये बोला था। तो एयरपोर्ट पर किसी का कोई कॉन्टेक्ट नंबर दिया था आपको कॉन्टेक्ट करने के लिए? कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दिया हमको। अब आप मौके पर आए हैं तो वहाँ पर ऑफिस पर क्या कोई मिला आपको? हमको कोई ऑफिस पर नहीं मिला और कहा वो चार्ट वगैरह भी फाड़े हुए मिले, मोबाइल नंबर सारे बंद मिले और लॉक लगा हुआ वहाँ पर मिला हमको। अब ये जरूरतमंद लोग पुलिस के सामने गुहार लगाने को मजबूर हैं। फिलहाल पुलिस ने इनसे मिली शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें 25-30 लोगों ने लिख के दिया है कि स्काईलाइन नाम की एक संस्था थी जो इस बात के पैसे लोगों से लेती थी कि वो लोगों को कुवैत भेजेगी और वीज़ा सप्लाई करेगी। तो इस चीज़ के एवज में 50,000 से 75,000 रुपये लोगों से संस्था ने लिए हैं और ऐसा दावा करती थी कि कुवैत में ये लगभग 40,000 से 75,000 तक की नौकरी इन लोगों को प्रोवाइड करवाएगी। इस एवज में लोगों का ऐसा कहना है कि इस संस्था ने पैसों की ठगी की है और इसके बाद ये लोग भाग गए हैं। इसकी पूरी जांच की जा रही है, उसके बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में अब तक 35 लोगों ने शिकायत दी है, लेकिन ठगी के शिकार नौजवानों की फेहरिस्त अभी और लंबी हो सकती है।